तब आप क्या जस्टिफाई कर पाएंगे उस सैलरी एकेडमिक अलायंसेस। सो पीपल विल कम टू नो जब आप ग्लोबल होंगे। आपको देखिए शो ऑफ शो तो करना पड़ेगा, अपना मेटल तो शो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा आता है। ये ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो है अपनी विद्वता का प्रदर्शन करें। बात शेयरिंग की है, जो हमें नॉलेज आता है क्यों ना हम शेयर करें। शेयर करेंगे तो इम्प्रूवमेंट ही होगा, उसमें कोई डाउनफॉल नहीं आएगा। द मास्टर ऑफ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, द डिजायर टू शेयर, लाइसेंसिंग मॉडल, क्या चीज चाहिए हम? मैंने बताया था आपको, कंटेंट राइटर चाहिए हमको, कंटेंट क्रिएटर चाहिए, सबसे इच्छा चाहिए शेयर करने, willingness to accept, एक economics में term होता है WTA and WTP, willingness to accept and willingness to pay, two things होती हैं। मैंने थोड़ा management भी पढ़ा है इसलिए, जब तक willingness to accept नहीं है, you cannot have willingness to pay, जब तक willingness desire की नहीं है, तब तक कुछ भी आपको मिल जाए, आप ये ढूंढेंगे भैया सब कुछ ठीक था, पार्टी में खाना अच्छा था, पर गुलाब जामुन में मीठा कम था। आदमी की आदत हो जाती है कि छिद्रान्वेषी हिंदी में बोलते हैं, ढूंढता रहता है कमियां, ढूंढता रहता है या अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहता है आदमी हमेशा। टूल्स एंड डायरेक्टरीज विच प्रमोट कोलैबोरेशंस, यू मस्ट नो, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यू मस्ट नो कि हाउ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से, हाउ मेनी रिसोर्सेज वी आर हैविंग, यू मस्ट नो दैट थिंग। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नाउ टूल्स कंटेंट्स एंड इंप्लीमेंटिंग रिसोर्सेज। टूल्स में आपके सोशल सॉफ्टवेयर लाइक विकीज एंड कंटेंट्स, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लाइक मूडल्स, दीज थिंग्स, दीज मटेरियल्स एंड दीज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नीड द कंटेंट्स, गुड कंटेंट्स, क्वालिटी कंटेंट्स, एंड दैट टू दैट आई विल फोकस वन थिंग दैट शुड बी प्रिफरेबली प्लैगरिज्म फ्री। ये मैं कल भी डिस्कस करूंगा, प्लैगरिज्म is the new monster has come into the academics. However, it has been there, but now it is a criminal offense to copy and paste. It may take our jobs if we copy paste the things in our academic writing. I think you must be knowing that UGC regulation 2018 on the plagiarism, isn't it? अगर आप देखें UGC की इसमें वेबसाइट में प्लैगरिज्म का एक ड्राफ्ट बन चुका है, जिसमें आपके इंक्रीमेंट रोकने का प्रावधान है, जिसमें आपके सुपरवाइजर बनने में को जो है पूरी लाल झंडी लग जाएगी, कम से कम 3 या 5 साल के लिए, हो सकता है लाइफ टाइम। सो मेनी थिंग्स, गलती आपका स्टूडेंट करेगा, आपको भी उसका क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दैट प्लैगरिज्म फ्री, पर अगर आप चीज ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट, मैंने लिया यहां से, उसने लिखा कि अब मैंने उसको सोर्स लिखा कि मैंने यहां से लिया, प्लैगरिज्म तभी होता है व्हेन यू से दैट इट आई हैव क्रिएटेड दिस नॉलेज, यू शुड गिव डी ड्यू एट्रीब्यूट। देखिए मैंने पहली स्लाइड से ही आपको मैसेज दिया कि मैंने कहा कि वो जो श्लोक 9 कैरेक्टर्स थे, इट वाज टोल्ड बाय मी, इट वाज टोल्ड बाय प्रोफेसर राव टू मी इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आई गेव दैट रेफरेंस। पहली चीज, जो भी चीज हो उसको एट्रीब्यूट करें, आई थिंक फाइट दैट वे you can avoid the criminal offenses. Now, yes. Now we'll be moving now open licenses. Open license की हम बात करेंगे कि कितनी तरह के license होते हैं. So open licenses. So open licenses are meant for, just like when I told you copyright to copyleft movement, that yes, F5. So open licenses, Creative Commons, you can go to the creativecommons.org. It is foundation basically. They thought that the knowledge should be shared. There should be no licenses there. Nothing should be enclosed. Nothing should be inside a cocoon. It should be open. So, we will be doing it. That we have covered
in one slide we covered that conditions of licensing in the open education on open licenses is attribution, share alike, no non-commercial, no modified. What we have to do? Freedom. It gives freedom to access, copy, use, adapt and share. These are the freedom things. Now, 5 R's. Retain, reuse, revise, remix, redistribute. It means retain means make and own your own copies. You can reuse it for wide range of ways. Adapt, modify and improve. Combine two or more. यहाँ ये copy paste नहीं माना जाता until unless they are having those open licenses. Two, three things are there which are associated with the open license, not with copyright. Sorry to say, copyright वाले material को mix नहीं कर सकता मैं. I can remix these things which are having open licenses. और आपका Wikipedia you say is a huge source of Creative Commons open licenses source. You will see the things there. Next slide. CC, this is copyright to copyleft movement. Copyright as a C, and this is called CC, Creative Commons. When you say CC, it means open to share, open to redistribute. With some conditions. The condition may be, you will have to share it alike. You will use it for non-commercial purpose. You will use for non-derivative. You will not derive it. This is website of Creative Commons. It's a फाउंडेशन और ब्यूटी क्या है कॉपीराइट में आप दुनिया भर के कागज पत्र पढ़ते हैं साइन करते हैं आप पब्लिशर साइन करते हैं आप साइन करते हैं तब जाके कॉपीराइट बनता है बट इन क्रिएटिव कॉमन्स इफ यू यूज द वर्ड्स सिंपली आप पुट योर थिंग्स उनके बाद जो भी आपने लिखा जो भी आपने मैटर तैयार किया उसके बाद मैंने ये वर्ड्स लिख दिए जो मैं आपको बताऊंगा आगे आपका लाइसेंस हो गया इंटरनेशनल लाइसेंस हो गया यू कैन क्लेम देम इन लीगल आप उसे लीगल उसमें खींच सकते हो किसी को अगर किसी ने उसको वॉयलेट किया इफ समवन वॉयलेट्स इट यू कैन डू दैट थिंग ओके नाउ दीज आर द थिंग्स दैट नो राइट्स इज इन पब्लिक डोमेन वट एवर इज अवेलेबल इन योर गूगल वट एवर इज अवेलेबल इन योर विकिपीडिया फ्री थिंग्स एट्रीब्यूशन इफ सीसी बाय सीसी इज देयर एंड देन बाय It means attribution you have to give. You have to refer the thing from where you are. From you have to refer the source. And if it is CC by SA, it means attribution share alike. You will attribute with the condition that whatever the matter is prepared with that thing will be share alike. भाई मैंने क्या किया? उसने CC by license था कि attribute करने को उसने मुझे बोला था. और साथ में share alike भी था. पर मैंने यह license लिखा खाली. CC by अगले वाला लाइसेंस डाल दिया कि नॉन कमर्शियल मैं वैसा नहीं कर सकता बिकॉज आई एम बाउंड टू डू दैट दैट आई विल यूज द सेम लाइसेंस CC by SA फॉर वट एवर आई प्रिपेयर फ्रॉम दैट नॉलेज शेयर आई बोलते यू विल यूज द सेम लाइसेंस दैट CC by NC यू विल यूज इट फॉर नॉन कमर्शियल पर्पज मतलब आप ये कह रहे हैं ये नॉलेज आप शेयर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है बट यू विल नॉट यूज इट कमर्शियली दैट इज CC by NC दैट इज देन CC by ND CC by NC and D ये सबसे क्लोज एट्रीब्यूशन नो कमर्शियल नो डेरिवेटिव ये सबसे ज्यादा जो है क्लोज काइंड ऑफ लाइसेंस है इसके बाद ऑल राइट्स से फॉर एग्जांपल सिंपली आई हैव रिटन समथिंग इन फेसबुक आई हैव रिटन ए पोयम यू जस्ट पुट दैट थिंग CC by NC and D दिस इज योर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस नो वन कैन यूज इट without your permission. If someone does, you can file the lawsuit. It is an international law. Okay? So, what is required for creating? We have discussed. Now, we will be moving in next that licensing model we have done. Tools and directories which promote the collaboration. Okay? Licensing. Agar aap Creative Commons mein jaate hain, ensure that you have copyright for the resource, choose a license, include the license details in the resource. आपको करना क्या मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा जब तक आपसे खुद नहीं देखेंगे आपको रिसोर्सेज मैंने स्लाइड में दिया आई विल जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड किस तरह करना है पहली बात तो आपके पास कॉपीराइट है कि नहीं है ये देख लीजिए मैटेरियल का चीज का करने से पहले लाइसेंस को उस चीज को उस लाइसेंस में लाने के लिए आपको पहले इंश्योर करना उसका कॉपीराइट तो नहीं कॉपीराइट दूसरे का कॉपीराइट तो आप उसको अपना लाइसेंस नहीं लगा सकते So establish the copyright owner of the text, graphics, video, etc. If there is copyright material within the resource,
that belongs to someone else, third party copyright, then this person or agency needs to be contacted before the resource can be released. Obviously, whenever they copyright, you have to take the due permission from the copyright person. Okay. Next is choose a license, either attribution, share alike, non-commercial, no derivative works. Whatever you want to use, you will use one thing for your OER. Next, the same licensing which I got, the most accommodating is no right reserved in the public domain. When there is right written, only CC is there. You will see in website mein aap gaur kijiyega, copyright hoga to C ke upar encircled hoga. CC is there, matlab that you can use it freely. Okay, that is public domain. Now you can go to this website, creativecommons.org, licensing. It provides the licenses. Basically, the licenses are two barcode systems. Next slide, if you see that it includes the license details in the resource for electronic words, cut and paste the HTML text, whatever in the website is there, you can use that thing. Next slide, if you see that, I'm just going through this. If you go to the website, I'm not going to the technical detail of that. And basically, this is a barcoding method in the two-way security secure method of that. But you can use it. Just if you put the words only, CC by SA NC ND, that is enough. But yeah, that you can retain the things. Aap usko laga ke rakh sakte hain license. You can use those licenses. Apne kaam ke. Courses mein lane ki koshish. Jo bhi cheez aap dal rahe hain na, aapne kahin se liya, jo source aapne dekha, uska license dekh liya. Us license ko use kijiye. Ye practice mein lana shuru karenge to aapke kaam aayega. Main bataunga aapko ki aage kahan kaam aane wala hai. Ye cheez license ko janna hai, kisne zaruri. Pata chala aapne apna knowledge kiya, aapne bhalmansaat se share kiya, aur dusre ne usko copyright karke baith gaya. क्योंकि आपने लाइसेंस नहीं लगाया था साहब, आपको लाइसेंस लगाना पड़ेगा, वो भी आपने आपका मकसद शेयर करने से, तो उसको शेयरिंग के लिए ही रहने दे. अगर आपने लाइसेंस नहीं डाला तो एनीबॉडी विल यूज योर थिंग. ओके, नाउ दिस इज द एक्टिविटी टाइम दैट एट दिस टाइम ओईआर कॉमन्स अपीयर्स टू बी द फॉर्मेटिव रिसोर्स फॉर ए वाइड रेंज ऑफ. फुर्सत में कीजिएगा इस काम को कि ओईआर कॉमन्स की वेबसाइट देखिएगा. ये वेबसाइट आपको शेयर की है मैंने, ओपन एजुकेशन रिसोर्स सर्च करना क्या, आपको फ्री सीसी बाय ऐसे मटेरियल कंटेंट होना है, उसमें जाएंगे सर्च करें. गूगल में भी ऐसा होता है, गूगल में जब आप ढूंढते हैं, व्हेन यू डू इन गूगल, गूगल स्कॉलर, स्कॉलरली आर्टिकल्स, इन एडवांस सर्च यू गो बाय सर्च बाय लाइसेंस, लाइसेंस यू विल क्लिक क्रिएटिव कॉमन्स, फ्री टू रीयूज, फ्री टू रीडिस्ट्रीब्यूट, आपको मिलेंगे ऑप्शंस में. एडवांस सर्च में जब जाएंगे, देन यू कैन यूज दोस थिंग. फॉर एग्जांपल, ये आपको कहां जरूरत पड़ेगी, आपने कोई चीज बनाई, मैं डायग्राम अपना फेसबुक में डालना चाहता हूं, या फिर आपके प्लेटफॉर्म पे डालना पड़ता, तो मुझे वो डायग्राम चुनना है जो कॉपीराइट ना हो भाई, बिकॉज सम पर्सन विल क्लेम दैट, सो यू विल हैव टू सेलेक्ट दैट मटेरियल विच कैन बी शेयर्ड. और यू कैन सर्च द यूट्यूब फॉर ए फ्री सीसी बाय यूट्यूब. इन यूट्यूब ऑल्सो, इफ यू ओपन अप ए यूट्यूब वीडियो, यू विल क्लिक, व्हेन यूट्यूब वीडियो इज रनिंग, यू विल क्लिक मोर, मोर पे रन करेंगे तो उसमें लाइसेंस आता है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस लिखा रहा है. लेकिन अगर आप में और जाएंगे, when you will create the things, you can search the things what Creative Commons, मतलब the videos which are under the Creative Commons license, that you can use freely for revise, reusing, remixing. But standard YouTube license is almost copyright material. It looks like that you can use, but you can't use actually. Standard YouTube license, it is the copyright of YouTube. So whenever you post something in YouTube, हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स करते हैं कहीं, उनको बोलो बेटा वहां लाइसेंस को सेलेक्ट करो अपलोड करते हुए, और उसको क्रिएटिव कॉमर्स में डालो. भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम यूट्यूब को क्यों बेच रहे हो, कल के दिन कल की यूट्यूब आपको ब्लॉक कर देगा पूरी, वो सारे डोमेन अपने पास रख लेगा. यू वोंट हैव एनीथिंग एट दैट मोमेंट. सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज दैट सेलेक्ट मटेरियल, अपना ही मटेरियल है, मेरा केमिस्ट्री का मटेरियल है, या लॉ में मैं इंटरेस्ट लॉ में इस सब्जेक्ट को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैंने ओईआर कॉमर्स में डाला, वहां तो आपको मिलेगा ही कॉपीराइट मटेरियल, मिलेगा ही नहीं ओईआर कॉमर्स बने इसी चीज के लिए, लेकिन यूट्यूब में मैंने डाला तो मुझे वो वीडियो मिल जाए जो क्रिएटिव कॉमर्स का है, दैट वी कैन यूज फॉर माय मटेरियल. देखिए पढ़ाने के लिए तो आप यू कैन यूज इट, इट कम्स इन फेयर यूजेस कैटेगरी. व्हेन यू आर यूजिंग द थिंग्स ओनली फॉर टीचिंग, फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पस, यू कैन शेयर एनीथिंग, नो प्रॉब्लम. बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ए थिंग एज ए ओईआर, डेवलपिंग ए थिंग एज ओईआर, एंड यू वांट टू गेट द क्रेडिट ऑफ दैट थिंग, एंड दैट वे इन दैट केस यू हैव टू हैव ए गुड लाइसेंस. And you have to take care of the license that you are not using the copyright material. Okay. Now, before moving to the activity part in our next move, next slide. Now I'll be moving to. I will come into that
I have been working on a massive open online course in MHRD project in Government of India. Recently, in our first pioneer batch, in among 500 something projects, 19 projects were shortlisted, and from the India, I'm in very few persons. Among the 19 people who have been selected throughout the India for developing this course, and I'm developing a course on academic writing, which I'll be showing you some intro at some point of time. So we will have a short tea break. After that, we will cover the things. I will just brief up what are the SWAYAM courses, and then we'll have some activity part on some actual thing what you can do. Some website, we will scroll down those.